ग्लोबल लीडर की छवि बना चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद एनडीए की गठबंधन सरकार बनाकर आमजन की उम्मीदें टूटने नहीं दी है। पिछले दो कार्यकाल की तरह पीएम मोदी की यह पारी भी देश हित में बड़े फैसले लेने वाली रहेगी। इस तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। इसमें देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग और तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारतीय रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और स्पेस सेक्टर पर खास काम होगा। साथ ही देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स खोले जाएंगे और घर घर सोलर पावर पहुंचाया जाएगा। आने वाले साल में भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। पिछले कार्यकाल में किए गए एमओयू पर कार्य हो सकेगा, जिससे सभी लाभान्वित हो पाएंगे और अन्य देशों की ओर से भारत में निवेश करने के आश्वासन भी पूरे हो सकेंगे। वहीं महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। अमेरिका भारत संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। क्वाड, I2U2, IMSC पर ध्यान देना जारी रहेगा। भारत में कॉरपोरेट निवेश की गति बढ़ेगी। पीएम मोदी हाल ही में कह चुके हैं कि उनकी सरकार आने वाले 5 साल में भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचाएगी। आने वाले 5 साल में जनता भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेगी। सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन देखेगी और 5 साल में जनता नई निर्णायक नीतियां बनते और निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेगी। देश प्रदेश की इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए महानगर टाइम्स के साथ।